हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यू वर्सेस देम की रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वॉट एवर, आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और मेरा दूसरा चैनल भी है एनएलपी का, एनएलपी रिलेटेड, सेल्फ हीलिंग रिलेटेड, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो सिंपली शिवांगी पाटिल करके, मैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। सो थैंक यू गाइस, सॉरी। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर कलेक्टिव में आपकी एनर्जी फॉर योर पार्टनर। ओके द लवर, वाह, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके सो कैंसर, यहाँ पर यूनियन की मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में रियूनियन, एक रियूनियन आ जाए। ओके सो और ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हो जाए। ओके इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक दूसरी एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके बैकएंड में, इस तरह का आ रहा है कि रियली ये अगर यूनियन नहीं हुआ तो क्या हमारा लाइफ यहाँ पर एक अनादर चॉइस रख सकता है क्या, हमारे लाइफ में कोई अच्छा और कोई आ सकता है क्या, इस तरह का भी आप कहीं ना कहीं रख पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके ओके सो ये एनर्जी यहाँ पर है। या आपको कुछ कभी कभी ये भी लग रहा है कि क्या ये रिलेशन नए से फ्रेश स्टार्ट होगा, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। इस तरह के बहुत सारे आपको डाउट्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, चॉइस भी रख रहे हो, डिस्टेंस भी हो रहा है, सो रियूनियन भी चाहते हो। इस तरह की मिक्स एनर्जी आपके यहाँ पर कैंसर आ रही है। ओके सो कैंसर, आपके पार्टनर की एनर्जी फॉर दिस सिचुएशन, थैंक यू सो मच कलेक्टिव। ओके नाइट ऑफ कप्स, सो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की आ रही है। सी ये पर्सन एक्चुअल में वेट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि या इनको फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकता है। ईगोइस्ट इन द सेंस यहाँ पर अपने आप को, अपने फीलिंग्स को ये कम्प्लीटली आपसे शेयर नहीं करना चाहता है, ये खुद होकर शेयर नहीं करना चाहता है। ओके इस तरह की एनर्जी है, बट ये पर्सन को कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये यहाँ पर आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन रख रहा है। यहाँ पर कम्प्लीटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है और सडनली अपने सोच विचार छोड़ दे रहा है। सो कभी कभी एकदम से ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि नहीं, शायद ये रिलेशन हमारे लिए नहीं हो सकता, तो इस तरह की एनर्जी है। सो ये उलझन में ये फंसे हुए हैं, सो इसलिए ये पर्सन खुद होकर शो नहीं करना चाहते कि इनको आपके लिए कहीं फीलिंग्स है करके। ओके सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो द लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स सेवन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आप कंफ्यूज हो, या ऑप्शंस हो, या मल्टी, बहुत सारे उलझे हुए हैं आपके सवाल हैं। द हैंगमैन कैंसर, ओके सो नाइट ऑफ कप्स, और ये देखो रियूनियन भी चाहते हो, सोलमेट भी चाहते हो, ओ माय गॉड। सो कैंसर, आपकी एनर्जी सेम आ रही है जो मैंने पहले ही बताई कि आप एक तो ऑप्शन या चॉइसेस रख रहे हो, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके और आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन, सही टाइम, ये कुछ भी नहीं समझ रहा है कि क्या किया जाए। ओके क्या किया जाए, या यहाँ पर दोस्ती की जाए, यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। ओके सो
कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ पर ज़रूर एक ट्राई तो ज़रूर करेंगे, हम यहाँ पर ये रिलेशन से दोस्ती यानी ये पर्सन से हम दोस्ती तो ज़रूर करेंगे, ओके इस तरह की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस हो रहा होगा या कुछ एनर्जी आ रही होगी, इस तरह से हो सकता है आप अपने तरफ से अप्रोच करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा ट्रू सोलमेट है या मेरा ट्विन पार्टनर है या जो भी है, मैं पेशेंस रखूँगा या रखूँगी और अपनी जीवन का जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है रिलेशनशिप के लिए वो हम लेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कैंसर आ रही है। ओके सो नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सी ये पर्सन देखो यहाँ पर इस तरह मैंने कहा ना, ये पर्सन जजमेंट चाह रहा है, ये पर्सन मैंने कहा ये पर्सन चाह रहा है कि जिस तरह से कि एक मैनिफेस्टेशन कि ये पर्सन की तरफ से कुछ कॉल मैसेज कुछ उधर से आ जाए, ओके ये पर्सन खुद होकर सडनली एक्शन नहीं लेना चाहता, मैंने ये भी कहा एक्चुअली ये रेडी है, ओके एक तरह से रेडी है, ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है, एक्टिव है, एवरीथिंग, बट ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है कि यस ये सक्सेस हो सकता है बट फिर भी अपने आप को ना होल्ड बैक करके ले रहे हैं, एक लिमिटेशन में रख रहे हैं या आपको ब्लॉक करके रखा होगा, इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपने अपने जो भी इश्यूज़ है या जो भी आपके लिए जो भी फीलिंग्स है या जो भी है वो अपने तरफ से इनपुट नहीं डालना चाहता है, यानी एक्चुअल में डालना चाहता है बट ये पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं डालना है, कुछ अपने आप कुछ साइंस सिंबल्स कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ पता चले तो फिर ठीक है, ओके सो यहाँ पर ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़े और यहाँ पर ये पर्सन यानी आप उनको कुछ रिस्पॉन्स ही ना करें तो फिर क्या होगा, सो बेटर वे है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप हो जाए और पेशेंस रखे, इस तरह की एनर्जी है। सो यहाँ पर कैंसर डिवाइन यहाँ पर क्या आउटकम बताना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन, किंग ऑफ वांड्स अगेन। सो सी यहाँ पर है कि ये रिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, ये रिलेशन ग्रोथ हो सकता है, आपको पहले बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप यहाँ पर फाइनल कीजिए कि यही पर्सन आपको चाहिए क्या, ओके मिक्स एनर्जी में अगर आप एनर्जी अगर आप यूनिवर्स को सेंड करोगे डिवाइन को सेंड करोगे तो वही रिटर्न वही आएगा, सो यहाँ पर सीधा सीधा कहाँ जा रहा है डिवाइन की तरफ से, अगर रियली आप एक्टिव या रियली आप ये रिलेशनशिप चाहते हो तो अपने आप को जस्टिस करो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप से न्याय करो कि क्या चाहते हो आप आपके लाइफ में एग्जैक्टली, ओके सो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई, क्या ये पर्सन आपके लिए सही है नहीं है ये अपने आप से पूछो, सो उस तरह से क्वेश्चन पूछकर आप यहाँ पर अपने आप को उस एंजाइटी या उस कंफ्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, ओके सो आपका दिल आपका सोल आपको आपका माइंड आपको कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई ज़रूर देगा, सो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, सो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, और टू ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा यहाँ पर अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, फिक्स कर दीजिए कि क्या है क्या नहीं है, पूरी तरह यहाँ पर अपने आप पर स्टडी कीजिए, ये एनर्जी ये गाइडलाइन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आ रही है, क्या आपकी यहाँ पर यही विश फुलफिलमेंट थी क्या, यही विश थी क्या, यही मैनिफेस्टेशन आपने किया था क्या, ओके और यही आप लाइफ में चाहते थे क्या, ओके सो यही वो पर्सन है क्या, सो इस तरह से अपने आप को पहले फिक्स करें, इस तरह की एनर्जी आ रही है, ओके सॉरी गाइस। सो गाइस यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन लेते हैं फॉर दिस सिचुएशन,
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टेम्पररी पॉज लीजिए, ओके, और यहाँ पर सोचिए इनसाइड, मैंने जो अभी कहा आपको वही, अ टेम्पररी पॉज फॉर अ रिफ्लेक्शन एंड इनसाइड एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, ओके। सो यानी जो मैंने कहा कि आपको कंप्लीटली अपने आप में देखना है, जानना है, समझना है, ओके। सो अपनी कन्फ्यूजन अपने आप को देखना है मिरर में, क्या आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो आपके लाइफ में और क्या आप सिलेक्ट करना चाहते हो। सो अगर कोई ड्रामा में आप खुद फंस चुके हो तो, आप कोई इल्यूजन में अगर आप खुद फंस चुके हो तो पहले इसमें से अपने आप को निकालिए, ओके, और खुद को एक परफेक्ट पर्सन की तरह या परफेक्ट इमोशन की बात कर रही हूँ, आप परफेक्ट हो सकते हो आपके लाइफ में, बट मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ, क्या आप अपने अपने इमोशन के साथ में परफेक्ट हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आप परफेक्ट कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं, ऑप्शन बहुत रख रहे हो, क्या करना है क्या नहीं ये यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर इस तरह से अपने आप को परफेक्ट करना है, और किसी ड्रामा में आप फंस चुके होंगे तो अपने आप को उस इल्यूजन से अपने आप को निकालना है। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर यही कह रहा है कि आपको यहाँ पर लॉजिकली और प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजेस जो भी है, हर चीज़ को आपको देखना है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन लेना है और उस तरह से आगे बढ़ना है। रिलीज। सो यहाँ पर कहा जा रहा है आपका यहाँ पर न्यू, यहाँ पर अवेकनिंग, न्यू बिगिनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है एक्चुअल में, ओके। यहाँ पर आपका जो भी आपने गुड कर्मास किया था आपके लाइफ में, उसका रिवॉर्ड्स मिलना अब स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। सो समथिंग, कुछ तो भी खत्म हुआ है आपके लाइफ में, अब नया कुछ स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी नया स्टार्ट हो रहा है उसको आपको आगे लेकर जाना है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि दे नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक। अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये ब्लॉक कर रहा है आपको, या एक आप मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको यहाँ से रिलीज करना है, ये सिचुएशन से आपको निकल जाना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये गाइडलाइन आ रही है, ओके। सो अगर कुछ आप चैरिटी वर्क कर सकते हो, कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए, या कुछ और गुड कर्मास करना चाहते हो, या कोई सोल पर्पस होगा आपका तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। सो गाइस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।